दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको समझने में ये मदद करेगा कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ये चुनना हमारे हाथ में है कि हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं। दोस्तों ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदि था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ के द्वारा पाले गए और एक ही माहौल में पढ़े दो भाई एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? जब पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं, आप नशीली दवाओं के आदि हैं, शराबी हैं और अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? दोस्तों सोचिए उसने क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया, मेरे पिता से ये प्रेरणा मिली क्योंकि वो नशीली दवाओं के आदि थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? मैं उन्हीं की वजह से ऐसा इंसान बन गया कि मैं लोगों को मारता पीटता रहता हूँ। जब यही सवाल उसके दूसरे भाई से पूछा गया तो दोस्तों आप दंग रह जाएंगे उसका जवाब सुनकर। उसने क्या बोला? जब उससे पूछा गया कि आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, और ज़रा सोचिए उसने क्या जवाब दिया। उसने बोला, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरे ने गलत ढंग से। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। दोस्तों हमारे जनुमन में हमेशा हमारे पास ऑप्शन रहता है, या यूँ कहिए कि विकल्प रहता है कि हमें क्या चुनना चाहिए क्या नहीं। हमें हमेशा वो चीज़ आसान लगता है जिसमें कोई नियम अनुशासन या कानून नहीं होते, और हम क्षणिक आनंद के लिए ऐसे चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे जीवन में एक गलत चुनाव पैदा करती है, जो हम को एक ऐसी रास्ते में ले जाती है जो हमारा ज़िंदगी कभी सही तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप ज़रूर सोचिए कि क्षणिक आनंद के लिए आपको इस अंधेरी खाई में अपने को ढकेल रहे हैं, क्योंकि यही आपका जीवन अच्छा और बुरा बनाएगा। तो आप कभी भी निर्णय लेने समय या रास्तों का चुनाव करते समय 2 मिनट के लिए रुककर, मौन रखकर शांति से सोचिए क्या ये सही रास्ता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और घंटी नहीं दबाएं तो घंटी दबाइए, इससे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ जो आपको प्रेरणा दे, सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करे, वो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें।